केसेस एंड प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस दो दिन 6 और 7 तारीख को एम्स में है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको डॉक्टर विश्वकर्मा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको विदर्भ ऑप्थल्मिक सोसाइटी के बारे में बता देता हूँ। विदर्भ ऑप्थल्मिक सोसाइटी नियरली 50 साल पुरानी ऑप्थल्मिक सोसाइटी है और ये इस साल हमारा 48 रजिस्ट्रेशन के बाद ये 48 कन्वेंशन है। तो ये इतनी पुरानी है और इसने बिगनिंग से लेके अब तक बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस किया है। जब पहले कॉन्फ्रेंस बहुत छोटे लेवल पे होती थी तब मेंबर्स उसके बहुत कम थे, लेकिन इस समय 600 के ऊपर विदर्भ ऑप्थल्मिक सोसाइटी के मेंबर है और इस कॉन्फ्रेंस में 500 के करीब मेंबर्स ने डेलीगेट बन के आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में बड़ा नंबर है जो इसके पहले कभी अचीव नहीं हुआ है। और ये इसका होने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त एम्स में ले रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। और इसमें लेने की वजह से बहुत सारे लोग जो नहीं भी आने वाले थे वो आना चाह रहे हैं। नियर अबाउट इसके अंदर करीब करीब 20 सेशन होने वाले हैं। इन 20 सेशन में आंखों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिस्कशन होगा, जिसमें आंखों की आजकल सब स्पेशलिटी हो गई है। सब स्पेशलिटी में पहले जो है आंख एक मानी जाती थी, अब इसके अंदर सब स्पेशलिटी हो गई है। तो सब स्पेशलिटी में रिफ्रैक्टिव सर्जरी, कैटरेक्ट, रेटिना, कॉर्निया, ऑक्युलोप्लास्टी, यूविया, पीडियाट्रिक सर्जरी, ऐसे 12 सब स्पेशलिटी है। तो इन 12 की 12 सब स्पेशलिटी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हर स्पेशलिटी पे एक डिफरेंट सेशन है। और एक सेशन तो कंबाइन सेशन है जिसके अंदर सब अलग अलग किस्म के लोग अपने विचार रखने वाले हैं, लाइक प्रैक्टिस मैनेजमेंट, मेडिकल लीगल केसेस इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस को हमने ऑर्गेनाइज किया है और ये ऑर्गेनाइज विदर्भ ऑप्थल्मिक सोसाइटी ने OSN मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑप्थल्मिक सोसाइटी ऑफ नागपुर के एम्स के सौजन्य से किया हुआ है। ये मिलकर इसमें जो एम्स द्वारा एक बहुत ही भव्य उन्होंने ऑडिटोरियम बनाया है, उसका एक बहुत बड़ा इसलिए है कि वहाँ का जो ऑडिटोरियम है बहुत ही शानदार है और वो एम्स से हमें प्रोवाइड किया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं एम्स का। और इस कॉन्फ्रेंस में हर टाइप के आँखों की जैसे सबने बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्युलोप्लास्टी जो आँखों के जो लिड्स वगैरह हैं उनकी अबनॉर्मलिटी होती है या तिरछी बने का होता है, उसके साथ में फिर कॉर्निया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर कैटरेक्ट है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, यूविया है, आप बोलें तो हर टाइप की जो बीमारियों का हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में टॉपिक कवर करने वाले हैं। और 20 से ज़्यादा फैकल्टीज ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं। एम्स हो गए, बैंगलोर हो गए, त्रिवेंद्रम हो गए, ऑल नेशनल फैकल्टीज जो है उनको हम ओरिश से अवार्ड होता है जिसमें उनको, और डॉक्टर उषा किम है जो मदुरई है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, डॉक्टर नीलिमा पावे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और डॉक्टर जसप्रीत सुखिया है जो PGI चंडीगढ़ से हैं उनके लिए डॉक्टर RN गंदेवार अवार्ड है, और डॉक्टर पूजा खमर है जो नारायण वाला बैंगलोर से हैं उनको या डॉक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो नए डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी फ्री पेपर्स और उनके लिए भी प्रेजेंटेशन, फ्री पेपर्स, कॉम्पिटिशन सब हम लोगों ने रखा हुआ है। तो ओवरऑल सब लोगों का ख्याल रखते हुए एक बहुत ही शानदार कॉन्फ्रेंस हम भी कर रहे हैं। हम उससे आपका ये एक तो पब्लिसिटी का जो है पब्लिसिटी हम लोग कर नहीं सकते हैं तारीख में आपको किसी भी चीज़ के